दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की राजनीति हो और वहां परिवारों की बात ना हो, यानी कि हरियाणा की राजनीति के अंदर परिवारों की राजनीति, जाति की राजनीति, बिरादरी की राजनीति, ये सबसे पहले होती है। होती तो पूरे देश में है, लेकिन हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो तीन प्रमुख परिवार, तीन लाल परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी बंसीलाल का परिवार, चौधरी भजनलाल का परिवार, इनकी चर्चा हमेशा होती रहेगी। जहां ये प्रदेश स्तर पर परिवार की चर्चा होती है, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाकर अलग अलग चर्चाएं होती हैं। अगर आप पलवल में आ जाएं, तो आपको चर्चा मिलेगी पूर्व मंत्री चौधरी कल्याण सिंह, बाबू कल्याण सिंह, और पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, इनके परिवार की। पलवल के अंदर बाबू कल्याण सिंह के परिवार का राजनीतिक वजूद, राजनीतिक जलवा लंबे समय तक कायम रहा है और आज भी है। बाबू कल्याण सिंह 1982 के अंदर विधायक बने थे, विधायक बन के वो मंत्री बने थे सरकार के अंदर, सरकार में वजीर थे। बाबू कल्याण सिंह की राजनीति के चलते हुए जब बाबू कल्याण सिंह के बेटे राजनीति में आए थे, तो वहीं उनके भतीजे सुभाष चौधरी भी राजनीति में सक्रिय हुए। बाबू कल्याण सिंह के दो बेटे चौधरी जगवीर सिंह और चौधरी राजेंद्र सिंह, इनका तो देहावसान हो चुका है। तीसरे बेटे चौधरी उदयवीर, सबसे बड़े बेटे जो हैं, वो आज भी सक्रिय हैं, लेकिन राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हैं। पलवल के अंदर अब विधानसभा चुनाव चल रहा है। आज से लगभग एक महीना पहले पलवल के अंदर जो यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, उनको एकदम से 12 सितंबर को उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उसके 5 दिन बाद उनका निधन हो गया। सुभाष चौधरी अपने पीछे छोड़ गए एक राजनीतिक विरासत। वो राजनीतिक विरासत जो उनको मिली थी बाबू कल्याण सिंह से और आगे सुभाष चौधरी से चल रही थी। बाबू कल्याण सिंह के होते हुए भी सुभाष चौधरी ने एक बार अपना रास्ता इख्तियार किया था और सुभाष चौधरी के होते हुए ही उनके परिवार के लोगों ने भी अपना रास्ता इख्तियार किया। लेकिन बात यह चल पड़ती है, जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाए तो फिर उनकी राजनीतिक विरासत कहां चल रही है। सुभाष चौधरी का जब देहावसान हुआ तो पूरे पलवल विधानसभा क्षेत्र में और इसके साथ साथ आसपास के इलाकों में एक चर्चा शुरू हुई कि सुभाष चौधरी का परिवार अब किस तरफ होगा। सुभाष चौधरी को जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उससे पहले एक दिन पहले ही पूरे पलवल विधानसभा क्षेत्र में चर्चाएं थी कि सुभाष चौधरी का गौरव गौतम, जो बीजेपी कैंडिडेट है, उनके साथ कहीं कुछ समझौता हो गया है। प्रकृति को जो मंजूर था वो हुआ, सुभाष चौधरी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और कुदरत ने उनको अपने पास बुला लिया, उनका निधन हो गया। अभी हाल ही में सुभाष चौधरी की जब 13वीं हुई, तो उसके बाद फिर चर्चा शुरू हो गई कि अब क्या होगा। 13वीं होने के बाद में सुभाष चौधरी के परिवार के जो राजनीतिक वारिस, मैं कह दूं बाबू कल्याण सिंह के राजनीतिक वारिस और या फिर सुभाष चौधरी के राजनीतिक वारिस, हालांकि सुभाष चौधरी के समानांतर राजनीति करने वाले नेता उस परिवार में रहे, लेकिन बात जरूर आती है क्योंकि वो सभी सुभाष चौधरी और बाबू कल्याण सिंह के नाम की बात करते थे। और अगर आज मैं कहूं कि सुभाष चौधरी और बाबू कल्याण सिंह के राजनीतिक वारिस जो पलवल के दो प्रमुख कद्दावर प्रत्याशी हैं, एक तरफ करण सिंह दलाल है कांग्रेस कैंडिडेट, दूसरी तरफ गौरव गौतम है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तो इन दोनों के बीच बट गए हैं। हालांकि प्रत्याशी एक और भी हैं। इस पूरे चुनाव के अंदर बैसलात और गुजर समाज की बात चली थी, बैसलात से इस चुनाव में बड़ौली से ही रहने वाले हैं और जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं हरित बैसला। जिस समय सुभाष चौधरी का ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उस समय हरित बैसला और बैसलात के लोग, बैसलात की पंचायत उनके निवास पर थी। लेकिन अब जब 13वीं के बाद में जब लोगों ने राजनीतिक कामकाज संभाला, तो फिर हरित बैसला को किसी का साथ नहीं मिला। जो साथ मिला वो मिला करण सिंह दलाल को और वो साथ मिला गौरव गौतम को। एक प्रत्याशी गौरव गौतम है जिनके पक्ष में लोग हैं, वो सबसे प्रमुख नाम है, सुभाष चौधरी के भतीजे हैं, उनके सगे भाई थी ब्रजेश चौधरी के बेटे मयंक। मयंक चौधरी की धर्मपत्नी इस समय नगर परिषद की पार्षद हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। दूसरे उनके सुभाष चौधरी के बेटे हैं अमरजीत। अमरजीत का नाम भी बताया जा रहा है कि वो भी साथ चल रहे हैं गौरव गौतम के। महेंद्र भड़ाना पहले से ही गौरव गौतम के साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भी हैं और सुभाष चौधरी के भतीजे वो भी, चौधरी सीताराम के बेटे, चौधरी अमर सिंह के पोते। चौधरी अमर सिंह चौधरी कल्याण सिंह के भाई थे, आपको डिटेल में बता रहा हूँ सारी।
उसके बाद अगर अगले बात करते हैं तो फिर रणदीप भड़ाना पार्षद हैं, उनका कुछ पूरा पता नहीं कि वो गौरव गौतम के साथ है या फिर वो करण सिंह दलाल के साथ है, क्योंकि कहीं वो उजागर दिखाई नहीं देख रहे थे खुलकर के। महेंद्र भड़ाना से छोटे हैं रणदीप भड़ाना, तो ये तो वो लोग हैं जो साथ खड़े हुए दिख रहे हैं गौरव गौतम के। और दूसरी तरफ एक और दूसरा पक्ष है जो करण सिंह दलाल के साथ है। करण सिंह दलाल के समर्थन में, उनके पक्ष में आज जो सुभाष चौधरी के भतीजे हैं और सुभाष चौधरी के परिवार से ही हैं, तीन बार के पार्षद हैं पवन भड़ाना, उन्होंने आज पंचायत क्या की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करण सिंह दलाल को समर्थन दिया अपने साथियों के साथ में। इसके बाद में सचिंदर सिंह चीनी मिल के निदेशक रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक रहे हैं, वो भी चले गए करण सिंह दलाल के साथ। सचिंदर सिंह सुभाष चौधरी के चचेरे भाई कह सकते हैं, चौधरी शंकर सिंह बीडीपी हुआ होते थे, उनके बेटे हैं। अगर आगे बात करते हैं तो इस परिवार के जो और लोग हैं, ये तो प्रमुख लोग हुए, उसके बाद परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उसके अंदर भी आप ये कह दें कि एक कुछ शेयर गौरव गौतम के पास और एक शेयर करण सिंह दलाल के पास। ऐसे में वो राजनीतिक विरासत जो चुनाव लड़ने की तरफ अग्रसर थी, मैं आपको बताता चलूं कि इस विधानसभा चुनाव में अगर सुभाष चौधरी का निधन नहीं हुआ होता तो, हालांकि उनका निधन हुआ उस समय तक नामांकन की तारीख निकल चुकी थी, लेकिन सुभाष चौधरी की सशक्त मजबूत दावेदारी थी, वो चुनाव में मांग कर रहे थे टिकट की। पवन भड़ाना चुनाव में तैयारी कर रहे थे, बीएसपी इनेलो की तरफ से उनके कैंडिडेट होने की बात भी चली थी और इस बात पर वो कहीं खफा भी हुए थे उन पार्टियों पर। इस चुनाव में महेंद्र भड़ाना की बात भी चलती थी, महेंद्र भड़ाना भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट चाहने वाले जो तमाम नेता थे इस समय वो विरासत को लेकर दो हिस्सों में बट गए। अब बड़ी बात यह है कि सुभाष चौधरी और बाबू कल्याण सिंह की विरासत के नाम का जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी है, क्या वो गौरव गौतम को उस विचारधारा का फायदा दे पाएंगे या उस परिवार के समर्थक लोगों को जुड़वा पाएंगे, और या फिर क्या सचिंदर सिंह और पवन भड़ाना अपने साथ में जो उनकी टीम होगी उससे वो करण सिंह दलाल को मजबूती दे पाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं कि चौधरी कल्याण सिंह और सुभाष चौधरी की बटी हुई विचारधारा पलवल की राजनीति में किसको फायदा देगी। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।